गाइस आज हम लोग देखेंगे कैसे सिंचन और फ्रैंकलिन एक भूतिया ट्रेन मतलब कि यार थॉमसन ट्रेन के चक्कर में फंस जाते हैं और वो ट्रेन लॉस सैंटोस के सभी लोगों को मार रहा होता है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है सिंचन और फ्रैंकलिन इस भूतिया ट्रेन से खुद को बचा पाएंगे? गाइस अगर तुम्हें ये जानना है ना तो पूरी वीडियो जरूर देखना और अभी ही वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि भाई पता नहीं तुम्हें आगे लाइक करने का समय मिले या ना मिले। सिंचन, ओए सिंचन, यार सिंचन तू किधर है यार? यार ये सिंचन किधर चला जाता है? इसको पता था अपने को माइकल के पास जाना है, फिर भी यार देखो गायब हो गया। यार चॉप, तेरे को पता है क्या सिंचन किधर है? अरे यार फ्रैंकलिन वो तो मार्केट गया था यार, अभी तक पता नहीं क्यों आया। मेरे को लगता है यार किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फट गया वो। अरे यार चॉप क्या बकवास कर रहा है, काम कर जल्दी से जा और सिंचन को खोज करके लेकर क्या, तब तक मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ तेरा। अरे ठीक है यार, सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। अरे फ्रैंकलिन भैया चॉप किधर है तुम लोग? अभी चॉप किधर जा रहा है? अरे यार मैं सिंचन को खोजने जा रहा हूँ। अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, वो किसको खोजने चला गया? छोड़ो यार पागल हो गया है। ओए फ्रैंकलिन भैया किधर हो? अरे फ्रैंकलिन भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपको पता है क्या, लॉस सैंटोस में भूतिया ट्रेन दौड़ रही है। अच्छा भूतिया प्लेन दौड़ रहा? अब थोड़ी देर में बोलेगा तू कि भाई मॉन्स्टर वाले भाई प्लेन उड़ रहा है। मतलब क्या यार सिंचन, आते समय तेरे सर में चोट वोट लगा था क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया अगर चोट लगा रहता तो मैं आपको गोरा बोलता, पर आप तो अभी भी मेरे को कलुए दिख रहे हो। ओए बकवास बनकर, मैं कलवाई हूँ। हाँ ठीक है यार तू सही है, बट चल अभी अपने को माइकल के पास जाना है। तेरे को पता है ना यार आज कितना बड़ा ड्रग डील होने वाला है और भाई अपने को कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो जा रहा हूँ उस ट्रेन को रोकने के लिए, लॉस सैंटोस में काफी लोग उसे मारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा रुक जा मैं आ रहा हूँ। भाई क्या हो गया यार इसको, भाई पता नहीं कहाँ से भाई कौन कौन सी बातें बोलने लगता है। भाई भूत या ट्रेन में कभी भूत होते हैं क्या? चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। और किसने कह दिया यार तुझे कि भाई ट्रेन में भूत था? मतलब कि यार ट्रेन में भूत, भाई ऐसा नहीं होता है यार सिंचन। अरे फ्रैंकलिन भैया सही में आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उस ट्रेन में भूत नहीं है, पूरा का पूरा ट्रेन ही भूतिया है। अब समझ क्यों नहीं रहे हो उसने कितने ज्यादा लोगों को मार दिया है? मैं तो भाई डर से फट रहा हूँ। अबे यार सिंचन गड़बड़ हो गई यार, भाई मैं तो ट्रेन के सामने आ गया, अगर मैं भाई अभी गाड़ी अपने पीछे ले लिया ना तो ये ट्रेन मेरे पे चढ़ जाएगी। और भाई ये मेरे को कहीं से भी भूतिया ट्रेन नहीं लग रही है, ठीक है बस ये सिंपल सी ट्रेन है, पर आगे क्या निकला हुआ यार इसका ये मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस। अरे फ्रैंकलिन भैया बैल बुद्धि जल्दी निकालो यार, ये सही में भूतिया ट्रेन है, आपको समझ क्यों नहीं आता? हमारी हड्डियों पे भाई चढ़ के जाएगी ये। अरे हाँ हाँ सिंचन निकाल रहा हूँ यार, मैंने निकाल लिया। गाइस ये ट्रेन मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, पर पहले तो अपने को पता लगाना पड़ेगा सही में ये भूतिया ट्रेन है क्या। एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना इसको बजूका से फायर करके देखता हूँ क्योंकि भाई सिंपल ट्रेन तो बजूका से उड़ जाती है, अब पता लगाते हैं गाइस कि ये ट्रेन उड़ पाएगी कि नहीं। यार मेरे किसी भी बजूका के फायर से सो कुछ नहीं हो रहा गाइस, बजूका डायरेक्ट आर पार हो जा रही है, ये क्या भाई, ये सही में भूतिया ट्रेन है गाइस। अरे यार सिंचन तू सही बोल रहा था यार, भाई देख बजूका इसके आर पार हो जा रही है, भाई इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ये क्या चक्कर चल रहा है गाइस, मेरे को इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सिंचन तू भी आ जा, भाई मैं तो पता लगा के रहूंगा कि इसका ड्राइवर कौन है। सिंचन देख आगे काफी ज्यादा खतरा है तो तू यहीं पे रुकना ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर के देख के आता हूँ कि इस ट्रेन का ड्राइवर कौन है। तो चलो गाइस अपन लोग को जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं ट्रेन के ऊपर तो चढ़ ही गया हूँ, अब मुझे पता लगाना है यार किसका ड्राइवर कौन है। बस गाइस मेरे को कोई रास्ता मिल जाए यार उसके चैम्बर में जाने के लिए, बट गाइस यहाँ तो कोई चैम्बर में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। काम करता हूँ गाइस मैं इसी को उड़ाने की कोशिश करता हूँ यार, बट गाइस इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, ये ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। गाइस ये क्या लोचा है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, भाई साहब इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रही है, भाई मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ गाइस, चलो यार बम्बार्डिंग करते हैं इस पे जितना हो सके गाइस, उतना बम लगा देते हैं उसके बाद देखते हैं यार ये रुकता है कि नहीं। मेरे को तो लगता है गाइस अब तो इसको रुक ही जाना चाहिए। अबे यार रुक जाए यार, कौन सा तेल खाता है ये, भाई इस पे क्या डाला जा रहा है कि ये चलता ही जा रहा है रुक ही नहीं रहा है। गाइस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सही में काफी ज्यादा खतरनाक है। भाई मेरे कुछ फायर तो इसके आर पार हो जा रहे हैं, भाई ये हो क्या रहा है, भाई इसमें सही में यार भूत ऊत है क्या? गाइस ये ट्रेन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, सिंचन जल्दी से नीचे उतर जाए यार। गाइस अपन लोग को इससे जल्दी नीचे उतरना पड़ेगा, मैं नीचे कूदने जा रहा, सिंचन तू भी जल्दी से नीचे कूद जा। गाइस मुझे कोई सेफ जगह देख करके यहाँ नीचे जंप करना पड़ेगा यार, मैं इसके साथ में जाऊंगा तो पता नहीं यार कहाँ चला जाऊंगा। तो गाइस मैं नीचे तो आ गया, सिंचन तू भी जल्दी से नीचे आ जा यार। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले ट्रेन तो रोको। अरे ओए ट्रेन नहीं रुकने वाली भाई, ये कहाँ चला गया भाई, भाई आ गया यार फाइनली, मेरे को तो लगा यार ये भी चला गया। तो गाइस अपन लोग को पता लगाना पड़ेगा कि ये ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है। गाइस मैंने पता लगाया कि ये ट्रेन भाई इसी टनल से होकर के आएगी, बट गाइस यहाँ पर इतने सारे पत्थर भाई किसने रख दिए? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है गाँव वालों ने लगाया है यहाँ पे पत्थर, वो लोग भी चाहते हैं ये ट्रेन रुक जाए क्योंकि इस ट्रेन ने काफी लोगों को मार डाला है। हाँ यार सिंचन ये तो काफी अच्छा आइडिया है यार, क्योंकि भाई साहब इस ट्रेन को इसी से रोका जा सकता है, भाई इतनी बड़े पत्थर को पार करके तो ट्रेन जा ही नहीं पाएगा। चलो गाइस चल के देखते हैं यार ये ट्रेन रुक पाता है कि नहीं।
गाइस ये भूतिया ट्रेन आ गई यार, अपने को रेडी रहना पड़ेगा। भाई साहब मैं भी इस पे फायर करना चालू कर देता हूँ। भाई अब ये टकराने ही वाली है। ओ नहीं गाइस ये क्या, गाइस ये क्या, ये तो भाई पत्थर से भी आर पार हो गई। भाई क्या चीज है ये, गाइस अपने को पता लगाना पड़ेगा आखिर ये हो क्या रहा है। अरे फ्रेंकलिन भैया मैंने सुना है जो भी इस ट्रेन के पीछे पड़ता है ये ट्रेन उसके पीछे पड़ जाती है और तब तक उसको परेशान करती है जब तक सबको मर ना जाए। अरे यार सिंचन डरा क्यों रहा है यार, एक काम करते चलो चल के देखते हैं गाइस कि आखिर ये इसे पार कैसे हुआ। ओ नहीं गाइस ये क्या, भाई साहब यहाँ इतनी सारी डेड बॉडी कहाँ से। अरे फ्रेंकलिन भैया मुझे तो लगता है ये गांव वालों की ही डेड बॉडी है, ये गांव वाले इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए इस ट्रेन ने इनको भी मार डाला। यार सिंचन इसका मतलब है कि हम लोग भी मरने वाले हैं। नहीं नहीं यार अपन लोग को कुछ करना पड़ेगा। सिंचन मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि ये ट्रेन आखिर आती कहाँ से और जाती कहाँ से है। तो गाइस जब तक मैं पता लगा रहा हूँ ना कि ये ट्रेन आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है, तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। पता नहीं हम लोग जिंदा वापस लौट पाए या नहीं पाए, कम से कम लाइक तो हो जाए। सिंचन ये ट्रेन कहाँ जाती है इसका पता लगाने का बस एक ही चारा है, हमें इस ट्रेन पे भाई चढ़ना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि ये ट्रेन कहाँ रुकती है। तो चल सिंचन जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाते हम दोनों। अरे फ्रैंकलिन भैया ठीक है पर सबसे पहले आप चढ़ो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बचाऊंगा नहीं बल्कि यहाँ से भाग जाऊंगा। ओए मैं जल्दी से चढ़ भी गया, आप तू भी जल्दी आ जा। भाई सब इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही है गाइस, ये ट्रेन भाई पता नहीं कहाँ जा रही है। बट गाइस अपन लोग को इस ट्रेन के साथ जाना पड़ेगा। पर गाइस जब तक अपन लोग जा रहे हैं इस ट्रेन के साथ में, मैं भाई इस ट्रेन को भाई उड़ाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं गाइस शायद ये ट्रेन उड़ जाए, बट यार मेरे को लगता तो नहीं है भाई इस ट्रेन को कोई फर्क पड़ रहा है भाई, क्योंकि भाई मैंने इसको पहले इतना ज्यादा मारा है ना भाई, इसको कोई खरोच नहीं आई अभी तक। ओए सिंचन मेरे को लगता है ये ट्रेन रुकने वाली है, जल्दी से इसके नीचे उतर जाते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कहीं ऐसा ना हो इसके साथ सीधा नरक पहुंच जाए हम दोनों। तो गाइस अपन लोग इसके नीचे तो आ गए हैं और गाइस मेरे को लगता है ये ट्रेन आसपास ही कहीं पे रुकने वाली है। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस और जाकर के देखते हैं ये ट्रेन कहाँ रुकने वाली है। ये क्या गाइस ये मौसम इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है हम लोग भूतों की मंडली में आ गए हैं, ये ट्रेन भी तो भूतिया है ना, अपने घर हमें लेकर के आ गई है। ओए सिंचन डरा नहीं है यार, गाइस अपने को पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेन कहाँ है। जल्दी से गाइस अपन लोग पता लगाते हैं कि ये ट्रेन कहाँ है और भाई ये ट्रेन को जल्दी से खत्म करने का कोशिश करते हैं। हे भगवान मुझे बचा लेना, चाहे तो फ्रैंकलिन भैया को उठा लेना, इतनी छोटी सी उम्र में मैं मरना नहीं चाहता। अरे चुप हो जा सिंचन, इसी तरह मुझे डर के मारे हालत खराब हो रखी है, अब मुझे जल्दी से ट्रेन खोजना है। ओ नहीं गाइस ये क्या, ये ट्रेन तो पहले से हमारे पीछे आके खड़ी हुई है यार। और फ्रैंकलिन भैया ये देखो इसमें तो आग भी निकल रही है, ये क्या, मुझे तो लगता है इसी आग में हमें ये ट्रेन चला के मार देगी। गाइस ये ट्रेन तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है यार, देखो चारों तरफ भाई ब्लड ही ब्लड है, अब अपन लोग क्या करेंगे। भाई साहब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो सही है पर आपके पीछे वो क्या है। क्या बोल रहा है यार सिंचन, मेरे पीछे मतलब। अरे फ्रैंकलिन भैया पीछे देखो। अरे यार कहाँ फंस गए मैं। अरे यार ये क्या चीज है। ओ नहीं गाइस मैं तो मरने वाला हूँ, ये भगवान। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ होगा और गाइस अब सिंचन के साथ क्या होगा। गाइस अगर तुम्हें ये जानना है ना तो अगली वीडियो का इंतजार कर लो और गाइस कमेंट करके बताओ कि मुझे अगली वीडियो लानी है कि नहीं। जल्दी से जाओ और पार्ट 2 लिख दो।